नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रीता राणा। मैं आज जिन महिला की कहानी लेकर आई हूँ वह 100% आत्मनिर्भर है। वह बाजार से कुछ नहीं खरीदती है, उनके घर में कोई कचरा नहीं होता है। वह नीम की टहनी से दातून करती है, एलोवेरा से नहाती है, अरीठे से कपड़े धोती है, राख से बर्तन मांजती है। उनका गैस का एक सिलेंडर 2 साल 5 महीने में खाली होता है, क्योंकि सारा काम सोलर एनर्जी से होता है। घर में सारे बर्तन स्टील के हैं, यहाँ तक कि बोतल भी स्टील की रखती हैं। पेपर नैपकिन का कभी इस्तेमाल नहीं करती, हमेशा रुमाल रखती हैं। उनका और उनके आसपास का जीवन केमिकल युक्त, कचरा मुक्त, प्लास्टिक मुक्त है। इस तरह से आप जनक दीदी को देश की पहली 100% आत्मनिर्भर कह सकते हैं। जनक दीदी के जीवन में लाख परेशानियां आई, लेकिन वह अपने रास्ते से नहीं हटी, वह डटी रही। उनकी इसी हिम्मत का परिणाम है वह आज लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा है। जनक दीदी 73 साल की हो गई है, आज भी उनका पूरा दिन पर्यावरण को बचाने, जैविक खेती करने, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने, पेड़ लगाने, पानी बचाने में गुजरता है। जीवन में लोग एक विपदा से टूट जाते हैं। जनक दीदी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। जनक दीदी ने कैंसर जैसी बीमारी से जंग जीती है। समय के चक्र ने पति को उनसे छीन लिया, लेकिन जनक दीदी अपने रास्ते से नहीं डिगी। वह आज भी उसी लगन और विश्वास से काम करती है। वैसे तो उनका पूरा जीवन ही प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन एक आंकड़ा ही उनकी महानता को बताने के लिए काफी है। उनके सौर ऊर्जा से संचालित घर में अब तक 90,000 लोग आकर उनसे सस्टेनेबल लिविंग के तरीके सीख चुके हैं। चंडीगढ़ में पली बड़ी जनक दीदी 1985 में मध्य प्रदेश के इंदौर आई और यहां पर आदिवासी महिलाओं के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। इस काम के लिए एक संस्था ने उन्हें 6 एकड़ जमीन दी। यहाँ उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, जिसका नाम उन्होंने बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान रखा। इसके परिसर को कुछ ऐसे बनाया गया था कि अपनी जरूरत की सभी वस्तुएं वहां मिल जाती हैं। यहां पर पर्यावरण को ध्यान में रखकर 900 पेड़ लगाए गए हैं। जनक दीदी ने यहां पर मध्य भारत का पहला सोलर किचन बनाया, जिसमें 150 लोगों के लिए सुबह शाम भोजन बनता था। जनक दीदी और उनके पति जिम्मी ने 13 तरह के सोलर कुकर बनाए हैं, जिनका लाभ न जाने कितने घरों में लिया जा रहा है। भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्म श्री से सम्मानित किया है। जनक दीदी कहती है कि यदि हम में ईश्वर का डर है तो हमें किसी तरह के भी सीसीटीवी कैमरों की जरूरत नहीं। सीसीटीवी कैमरे डर पैदा करते हैं। मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे पर विश्वास पैदा करें, व्हाट्सएप कम करें, फोन के भरोसे ज्यादा ना रहें, लोगों से मिलते जुलते रहें और बच्चों की बात सुने।